अजमेर के वैशाली नगर स्थित सेवेन वंडर्स के पास वाली दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। दुकान मालिक ने मामले की शिकायत क्रिश्चनगंज थाने में दर्ज करवाई है। पीड़ित दुकान संचालक राजेश ने बताया कि चोरों ने देर रात दुकान में रखे सामान रफू चक्कर हो गए। दुकान से हजारों की नकदी और सामान चोरी हुआ है, जिसकी कीमत 7,000 रुपये है। इसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। यहाँ कल रात को मैं दुकान खोल करके गया, सुबह आके देखा तो ताले टूटे मिले और मेरे सिगरेट के पैकेट और गुटके सभी चीज चोरी कर ली है। और यहाँ से गुटके सिगरेट थे मेरे पास, तो सारे के सारे माल चोरी कर लिया उन्होंने। सुबह आके देखा ये ताले टूटे हुए हैं और गल्ले के अंदर कम से कम 1500 से 2000 रुपये थे मेरे, तो वो भी साथ ही ले गए वो। और कम से कम नहीं करके 6-7 हज़ार का माल था मेरा। कहाँ पर है ये दुकान? ये अपने सेवन वंडर पार्क के पास में ही है जगह, वहाँ मेरी दुकान है। इस जो अपने अजमेर में 7 अजूबे बने हुए हैं उसके पास में मेरी दुकान है। ठीक है। और कहाँ से आए थे ये चोर? ये चोर यहाँ से ही रास्ता बना हुआ है, आगे गेट है, वहाँ से पीछे होके यहाँ से गेट खोल के और यहाँ से ताले भी तोड़ दिए और यहाँ से आए थे। सामने से हमारे ताले लगे हुए थे, यहाँ से नहीं आए, पीछे वाले रास्ते से आए थे। आपका नाम? राजेश शर्मा।